हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज की ओर से जून क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। लैक्स में नंबर्स है। इनकम में 641 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 722 करोड़ का और जून 22 क्वार्टर में 481 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 615 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 689 करोड़ का और जून 22 क्वार्टर में 480 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंसेस भी डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस इंक्रीज किया इनकम के अकॉर्डिंग। लेकिन पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स में 26.4 करोड़ का गेन हुआ था, जिसके कारण प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 25.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 59 करोड़ का और जून 22 क्वार्टर में 1 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। और गाइस, कंपनी का यहाँ पर टैक्स वगैरह भी पे नहीं करना पड़ रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में ही कंपनी को 55,000 के आसपास का टैक्सेस जो है ऐड किया गया था, इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट है उतना ही देखने को मिला है। और EPS 1.35 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स एवरेज है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम और प्रॉफिट दोनों में फॉल देखने को मिला है। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, नंबर लैक्स में है। इनकम 641 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 721.9 करोड़ का और जून 22 क्वार्टर में 481 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 619 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 691 करोड़ का और जून 22 क्वार्टर में 480.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। लेकिन पिछले क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम्स में 45.5 करोड़ का गेन हुआ था, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे गाइस, कंपनी को टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ा है, जो कि जिसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 22 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 76 करोड़ का और जून 22 क्वार्टर में 67 लाख का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS कंपनी का 1.16 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का इनकम तो डाउन, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। इसका सबसे बड़ा रीज़न है एक्सेप्शनल आइटम्स, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन हुआ था और इसी वजह से प्रॉफिट इस पर बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो गाइस, अब हम लोग जो है ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट जो है एवरेज पेश किया। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।